आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच के पहले गौतम गंभीर ने कहा था कि आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसे लगता है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जिससे सारी जंग वो जीते बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। और यही वजह है कि जब कोई मुझसे सवाल पूछता है कि आप किस एक टीम को हराना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूं आरसीबी। गंभीर ने जो कहा, क्या उसे उन्होंने वाकई में करके दिखा दिया? क्योंकि आरसीबी की हार तो हो गई, और आंकड़े कहते हैं कि चिन्नास्वामी के अंदर, यानी आरसीबी के घर के अंदर, अब तक कुल मिलाकर 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 8 मुकाबले केकेआर जीते हैं घर में जाकर। 2016 के बाद से आरसीबी अपने घर में केकेआर को कभी हरा नहीं पाई है, और 2016 से लगातार गौतम गंभीर तो नहीं खेल रहे, लेकिन विराट कोहली जरूर खेल रहे हैं। इसीलिए हमारा सवाल है कि गौतम गंभीर आरसीबी के बारे में जो हार्श ट्रुथ कह रहे थे, क्या वो पूरी तरह से फैक्ट पर आधारित था? क्योंकि विराट कोहली ने भले ही अपने बल्ले से 59 बॉल पर 83 रन बनाए हों, लेकिन उनकी टीम हार गई। दिग्गज उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और यही सवाल गौतम गंभीर ने प्री मैच खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि आरसीबी मुझे बहुत पसंद नहीं है, आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसको मैं सोते हुए भी सपने में हराना चाहता हूं, मेरा बस चले मैं हमेशा इस टीम को हराऊं, क्योंकि ये टीम एक फ्लैम्बॉयंट टीम है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, विराट कोहली, एवी डिविलियर्स, क्रिस गेल वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आती है, जब बात जीतने की आती है, तो ये टीम कमजोर पड़ जाती है। इस टीम में वो दमखम नहीं है, ये टीम स्टैंड नहीं करती, लेकिन ये एटीट्यूड ऐसा कैरी करते हैं मानो दे हैव वन एवरीथिंग, बट हार्श रियलिटी इज पिता। फिर गंभीर ने दो तीन एग्जाम्पल दिए, कहा कि हमारी केकेआर का कोई मुकाबला इनसे नहीं है, हमने दो दो ट्रॉफीज जीती है, हमने इनके खिलाफ बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसमें पहले मैच में ब्रेंडन मैकलन का रिकॉर्ड, सेकेंड बार हमारी बेस्ट बॉलिंग इनके सामने 49 पे ऑल आउट, और पावर प्ले का जो बेस्ट स्कोर है 105 रन, वो भी हमारा आरसीबी के सामने। इस मैच में भी हालांकि जो बात गौतम गंभीर कह रहे थे, ऐसा लगा कि उनकी टीम उसी को लिव अप कर रही थी। गौतम गंभीर की टीम जब 6 ओवर में 105 मारे थे, तब भी सुनील नरेन थे और उनके साथ उस वक्त बल्लेबाजी करते थे दूसरे प्लेयर, और अब उस वक्त क्रिस लिन थे और अब सॉल्ट थे। लिन से सॉल्ट का सफर चेंज हुआ, लेकिन सुनील नरेन के बल्ले ने जो आग बरसाई, उसने सवाल पैदा किया कि आज भी 6 ओवर में 85 रन बने, और ये भी आईपीएल 2024 के फास्टेस्ट स्कोर में गिना जाएगा पावर प्ले में, वन ऑफ द फास्टेस्ट, बहुत तेज तरह। विराट कोहली ने 59 बॉल पे 83 बनाए, पूरी आरसीबी ने मिलकर 60 बॉल पे 99 बनाए विराट के अलावा, और नारायण और सॉल्ट ने 6 ओवर में 85 ठोक दिए। विराट हालांकि अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कई सारे कमेंटेटर्स उनके समर्थन में हैं, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो गंभीर की बात से इत्तफाक करते हैं, कई सारे ऐसे। एक तरफ जहां इरफान पठान, सुनील गावस्कर जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि अकेला विराट क्या करेगा, दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ, ब्रायन लारा और श्रीकांत जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार विराट की वजह से टीम हारी। लेकिन गंभीर और विराट जब मैदान में एक दूसरे को हक कर रहे थे, जब उनको लेकर कसीदे पढ़े जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि भैया इनको फेयर प्ले अवार्ड दे दीजिए, रवि शास्त्री साहब ने कहा, गावस्कर साहब ने कहा कि फेयर प्ले ही क्यों, इन दोनों को आप और बड़े अवार्ड दीजिए, इन दोनों को ऑस्कर मिलना चाहिए। हमको लगा कि हम भी चिपका दें, कह दें कि भैया ऑस्कर ही क्यों, आप नोबल पीस प्राइज दे दीजिए। लेकिन सवाल ये कि आरसीबी को ट्रॉफी कौन देगा? बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि यार, आज बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, आप डालिए आरसीबी, तमाम ऐसे फैंस हैं जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि यार हम समझ नहीं पाते हम हर साल क्यों हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं। कईयों ने तो विराट पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया, कहा कि विराट के रहते हम जीत नहीं पाएंगे। अब लग रहा है कि जाने के बाद ही होगा कुछ, ट्रॉफी जीतने के बाद ही साला कप मांगते हैं। लेकिन फिर वही कहानी है कि विराट ने आखिरी के 5 ओवरों में 21 बॉल खेली, 21 रन बनाए, 16 बॉल पे 2 बाउंड्री थी, 5 डॉट बॉल थे और मैच उनका चला गया। ब्रायन लारा ने इसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया, ये कहा कि आप स्लो इनिंग की वजह से आ सकते हैं, आप 140 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। वॉटसन ने कहा पिच स्लो नहीं थी, विराट स्लो थे। हर्षा भोगले ने कहा कि आप T20 क्रिकेट में अपनी पर्सन 50-100 के नहीं खेल सकते। मोहम्मद कैफ ने कहा कि आप गेंदबाजों पर दोष डाल दीजिए, लेकिन आप बल्लेबाजी के चलते। श्रीकांत और आगे बढ़े, कहा कि
विराट एक ग्रेट स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बट के क्या खेल रहे थे? मुझे लगता नहीं कि सिलेक्टर्स उन्हें आज के दिन देखने का। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। इरफान पठान ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन हमारा सवाल यह है, क्या गौतम गंभीर ने एक बार फिर अपनी बात सही साबित की? केकेआर और आरसीबी की लड़ाई बहुत पुरानी, 2013 से लड़ाई शुरू हुई। केकेआर से निकल कर गंभीर चले गए थे एलएसजी में, वहाँ भी ये लड़ाई कॉन्टिन्यू हुई, लेकिन अब जब गंभीर केकेआर लौटे हैं तो आरसीबी वर्सेस केकेआर में सभी को उम्मीद थी कि मुकाबला बराबरी का, बराबरी का शो नहीं था। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्या गंभीर ने जो कहा था वो सच है कि दे हैड वोन नथिंग, इन्होंने जीता कुछ नहीं है, बट वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे मानो सब कुछ वो जीत कर बैठे? क्या सोचते हैं?